देखो आज हम लोग चेन रूल से थोड़ा आगे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बेसिकली इनका फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास y दिया हुआ है साइन इनवर्स x, तो मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा? ठीक है, dy बाई dx क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग इनवर्स फंक्शन को नहीं जानते हैं, तो हम लोग दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दें, दोनों साइड साइन ऑपरेट करेंगे। हम लोग को मिलेगा साइन y इक्वल टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो d बाई डी एक्स साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आर एच एस में? आर एच एस का वैल्यू क्या होगा? वन सर, वन हो जाएगा। और एलएचएस में आप देखो, ये वाई का फंक्शन है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या डिफरेंशिएशन संभव है? नो सर। अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तब बिल्कुल संभव है। मैं यहाँ पे चेन रूल लगाऊंगा, लिखूंगा डी बाय डी वाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा तो लिख ही सकता हूं मैं। और यहां पे आपने वन बोला है, अब देखो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल रहा है आपको? साइन वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? कॉस वाई, कॉस वाई इंटू dy by dx इक्वल टू वन। तो यहां से मिल गया आपको dy by dx इक्वल टू वन अपॉन cos y, और cos y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से देखो आप, cos y का वैल्यू आपका हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डीवाई बाई डी एक्स हो गया, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे तो प्लस और माइनस दोनों आता है, आपने दोनों कंसिडर क्यों नहीं किया है? जैसे आप साइन वाई का स्क्वायर करते हो तभी तो कॉस वाई मिलता है, तो कॉस वाई आपको प्लस और माइनस में मिलेगा, जबकि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन लिया। तो ऐसा क्यों है? जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में सीखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लस क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, चूँकि आप लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में नहीं जानते हो। तो अभी फिलहाल आप याद रखेंगे कि इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं, और साइन के केस में आपका पॉजिटिव आता है। सिमिलरली आप कॉस इनवर्स अगर करोगे सर, हाँ बोलो सर, इसको वन बाय साइन एक्स करके नहीं कर सकते हैं? साइन इनवर्स का मतलब वन बाय साइन एक्स नहीं होता है, इनवर्स फंक्शन बताया गया था ना। यस,
वही वाला इनवर्स यहां पर भी है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स को सिंपलीफाई आप करोगे, इसके डिफरेंशिएशन फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है इसका निगेटिव में आएगा। निगेटिव को छोड़ करके देखो क्या आप इस स्टेज पर पहुंच सकते हो। निगेटिव को इग्नोर करना, ठीक है, निगेटिव बाद में लगाएंगे हम लोग, देखेंगे कि यहाँ तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेम मेथड से देखो ट्राई करके, अगर वेरी गुड सर, वेरी गुड सुमित। बहुत अच्छा सन्नीवान अमन ऋतिक, वेरी गुड।
गया सबका? कोई ऐसा बच्चा जिसको फंस रहा हो? दुर्गा हुआ, तो इस तरह से इनवर्स फंक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट हम लोग बना सकते हैं, ये तो दो का डिफरेंशिएशन हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही अगर कॉट में रहेगा तो यहां पे माइनस लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। यहां पे यूजुअली मॉडुलस लिखा जाता है, वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। और यही अगर कोसेक इनवर्स रहेगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपके पास अब आ चुके हैं, है ना। अब कई बार क्या होता है कि टेक्निक लगाया जाता है डिफरेंशिएशन में, है ना। जैसे पहला टेक्निक है आपका डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉगरिदम या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? कहता है कि जब आपके पास कोई एक नया फंक्शन है h ऑफ x और ये कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है। ऊपर का नहीं सर, स्लाइड नीचे कीजिए सर, ठीक है। और इन पे भी पावर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, थोड़ा स्लाइड ऊपर करिए। स्लाइड ऊपर नोट नहीं कर पाया, लैग कर रहा। अब इसका तो कोई उपाय नहीं है, इसका उपाय है सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन क्लास। नोट कर लिया जी,
यस सर। आइए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर एच एक्स आपका कोई फंक्शन है और वो कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है और वो फंक्शन पर आपका पावर भी लगा हुआ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन, तो ऐसे केस में हम लोग प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल ना करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉगरिथमिक टेक्निक लगाते हैं। लॉगरिथमिक टेक्निक कैसे वर्क करता है ये देखो। सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है एच डैस एक्स फाइंड करना, आपका टारगेट क्या है एच डैस एक्स फाइंड करना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड लॉग लगा देते हैं, लॉग एच ऑफ एक्स टू बेस ई। यहाँ पे लॉग का रूल अगर लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा वन टाइम्स लॉग एफ वन एक्स प्लस अल्फा टू लॉग एफ टू एक्स बेस ई अल्फा थ्री लॉग एफ थ्री एक्स ई। है ना सुमित, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा वन बाय एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्फा वन इंटू एफ वन डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ वन एक्स अल्फा टू एफ टू डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स अल्फा थ्री एफ थ्री डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ थ्री। और ये एच एक्स को आर एच एस में ले जाओ तो आपको मिल गया एच डैश एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू अल्फा वन एफ वन प्राइम एक्स डिवाइडेड बाय एफ वन एक्स अल्फा टू एफ टू प्राइम डिवाइडेड बाय एफ टू एक्स अल्फा थ्री एफ थ्री डैश एक्स बाय। प्रोसेस समझ में आया? मतलब कई सारा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ रहे, है ना, लेकिन वो फाइनाइट प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक बात मेंशन करना होगा कि ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट प्रोडक्ट होना चाहिए। फाइनाइट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी तक नहीं जाना चाहिए, तब ये काम थोड़ा आसानी से दिखाई पड़ता और बढ़िया वर्क करता है। तो यहाँ पे लॉग लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू आपका दिया हुआ है साइन का पावर 4x, x का पावर 5 log x स्क्वायर प्लस 1, है ना, e बेस पर। और भी कुछ डाल दो इसके अलावा भी फंक्शन ले लेते हैं, मान के चलो कि अपना साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ गया,
देखो इसको डिफ्रेंशिएट करके, और इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका आ रहा है इसको यूजुअली सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऐसे इसी स्ट्रक्चर पर छोड़ना है, समझ गया? नहीं तो फिर आंसर आंसर मैच नहीं करने लगता है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। देखो ट्राई करो, प्रोसेस आपको पता है, लॉग लेना है ना, हो जाए बता दीजिएगा। सर हो गया, हो गया, वेरी गुड। देखो बाकी बच्चे लॉग लगाएंगे, है ना, लॉग वाई की बेस ई फोर टाइम्स लॉग साइन एक्स, फाइव टाइम्स लॉग एक्स, और इसमें डबल लॉग हो जाएगा।
2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, अब डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई और डीवाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखो 4 log sin x है तो 4 टाइम्स 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, सो cos x अपॉन साइन एक्स 5 अपॉन एक्स, इसका आप पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन लॉग में आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अभी लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x 2 टाइम्स साइन इनवर्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या है, ये फंक्शन है पूरा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4x, x की पावर 5, log x स्क्वायर प्लस 1 टू बेस e साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और अब इनको लिख दो 4 cot x 5 by x टू एक्स अपॉन log x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट साइन इनवर्स एक्स, इतना लंबा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, जब आपका एच एक्स इस तरह से होता है। दूसरा इसका पार्ट जो होता है टाइप 1, इसको कह सकते हैं हम लोग इसमें एक और टाइप है टाइप ये है कि जब आपका एच एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहे, एच एक्स जो रहे वो एफ एक्स की पावर जी एक्स रहे, एच एक्स जब एफ एक्स की पावर जी एक्स फॉर्म में रहे, यहाँ पे एच डैश एक्स हम लोग को फाइंड करना है, एच डैश एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी क्या करना है हम लोग को, लॉग लगाना है, लॉग एच ऑफ एक्स बेस ई, और ये हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ई, और इसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे LHS में आपका चेन रूल इस्तेमाल होगा, 1 अपॉन एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, और RHS में प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, जी एक्स इंटू 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू ln एफ ऑफ एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल गया एच एक्स जो कि है एफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स इंटू, ये हो गया आपका जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस एल एन एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है।
इसी तरह से आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी कुछ भी मिलता है तो आप लॉगरिदम लगा करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ में आई बात? इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे इसका फेमस डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है, जैसे अगर y इक्वल टू x की पावर x दिया हुआ रहे, यहाँ पे देखो आपका एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, है ना। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना। तो ये बन जाएगा आपका log y की बेस a इक्वल टू x ln x 1 by y times y dash equal to x into 1 by x ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x। अब हम लोग ln x को छोड़ेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा सिंपली ln x। सो y dash की वैल्यू क्या आ गई, y हो गया आपका x का पावर x 1 प्लस ln x, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, एक छोटा सा डिफरेंशिएशन कर दो मेरे लिए, इसका डिफरेंशिएशन करो, y इक्वल टू x का पावर sin x प्लस sin x की पावर x। हो गया बहुत अच्छा। वेरी गुड सुमित,
प्रेम नितेश वन क्या मतलब? बहुत बढ़िया रोशन, वाह तुम लोग का डिफरेंशिएशन सीखा हुआ, इसका मतलब अच्छी मेहनत की हो डिफरेंशिएशन। बाकी बच्चों प्रेम नितेश वन का मतलब क्या है? डन लिखना था, वन लिख दिए। कोई और बच्चा जो मेहनत कर रहा हो इस पे? दीपा का लोक सुजल तुलिका विभय विनय सर हो गया सर। ये देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना था, दोनों पार्ट का अलग अलग कर देना था। आप इसको डिफरेंशिएट कर लें अलग से और इसको डिफरेंशिएट कर लें अलग से, हो जाएगा काम। तो यहाँ पे y प्राइम क्या मिलेगा आपको? x का पावर साइन x इनटू साइन x अपॉन x प्लस ln x इंटू cos x, यही होगा ना? प्लस साइन x की पावर x इंटू x cot x प्लस ln sin x, क्या यही आंसर आया आप लोग का? किसका किसका आंसर मैच कर गया? सर नहीं समझ में आ रहा है ना?
प्रेम नीतीश का आंसर मैच किया है, और किसका मैच किया? सनी कुमार सन्नीवान मैच किया, बहुत बढ़िया विभय। यस सर। ठीक है, तो अब देखो आलोक को मैं बता देता हूं थोड़ा, आलोक को नहीं समझ में, वेरी गुड रोशन। सबसे पहले इसको क्या मान लो, y1 मान लो, y1 x के पावर साइन x, समझ गए? इसमें लॉग लगा दो, तो ये मिलेगा हमको साइन x इंटू ln x। यहां तक क्लियर है आलोक? यस सर। बताओ LHS में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को वन अपॉन वाई वन टाइम्स वाई वन प्राइम मिलेगा। ये पार्ट क्लियर है? तुलिका वेरी गुड। RHS में कौन सा रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे ना, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो तो मिलेगा आपको कॉस एक्स, और एलेन एक्स को छोड़ना है, फिर साइन एक्स को छोड़ दो, एलेन एक्स का डिफरेंशिएशन। समझ में आया आलोक? यस सर। तो वाई वन प्राइम क्या हो जाएगा, एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू एलेन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर इसको हमने y1 नाम दिया है, इसको हमने y2 नाम दिया है, तो y प्राइम क्या हो जाएगा? y1 प्राइम प्लस y2 प्राइम लिख सकते हैं आलोक? यस सर, अब हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अच्छा, तो ये हुआ आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जहां जितना भी देखोगे हर जगह चेन रूल दिखाई पड़ेगा, मतलब जिस बच्चे को चेन रूल क्लियर है उसके लिए डिफरेंशिएशन का कोई भी पार्ट असंभव नहीं है। नोट करना है, नोट कर लो, आधा मिनट। श्रुति समझे? यस सर। आलोक नोट डाउन कर लिया? यस सर। साजिया और सैफ का कोई रिस्पांस नहीं आया इस क्वेश्चन में? सर हाँ बोलो विभय।
सर इसको डिफरेंशिएट जो आप कर रहे हैं तो अलग अलग कर रहे हैं तो जो आप लिखे वही आ रहा, लेकिन अगर साथ में दोनों को एक में डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में करना थोड़ा नहीं दूसरा है, जैसा रहा साथ एक में साइन। लॉगरिदम आप नहीं लगा सकते हो, ये प्लस में है ना, तो प्लस में लॉग लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समझे विभय? सर इसको अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, मतलब पहले इसका करना है, फिर इसका करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए सिंपल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को मैंने दिया था कि आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे केस है। जैसे मान के चलो कि एक्स इंटू वाई दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई के बराबर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ एक्स या वाई या इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन तो वैसे देखने की बात होती है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी एग्जांपल ले रहे हैं तो डोमेन पर फोकस नहीं करेंगे, और मोस्ट ऑफ द केस में आपको डोमेन पर फोकस नहीं करना है। ये रिलेशन किसी न किसी तरीके से डिफाइंड है, ये रिलेशन किसी न किसी तरीके से डिफाइंड है, ठीक है, और ऐसे रिलेशन में आप ना ही एक्स को वाई के टर्म में लिख सकते हो ना ही वाई को एक्स के टर्म में लिख सकते हो, इसलिए ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन हो गया। है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन बोलो या रिलेशन बोलो, ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन हो गया। ऐसे केस में हम लोग को डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो हम लोग पहले चीज में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एक्स और वाई को दोनों को फंक्शन मानेंगे, सो एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन वाई प्राइम डिजायर्ड क्वांटिटी प्लस एक्स को छोड़ो एक्स का डिफरेंशिएशन वाई को छोड़ दो तो वाई मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन का डिफरेंशिएशन, पहले चेन रूल लगाएंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई मिलेगा इंटू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और वाई का डिफरेंशिएशन वाई प्राइम। अब क्या करना, वाई प्राइम हमारा टारगेट है तो वाई प्राइम वाले टर्म को एक साथ क्लब कर लो, तो ये हो गया एक्स इंटू वाई प्राइम, और ये अब देखो वाई प्राइम इंटू कॉस एक्स, ये माइनस में आएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्राइम, और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ रखो कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, और यहां पे आप देख लो क्या हो रहा, वाई प्राइम कॉमन कर सकते हो और यहां पे मिल गया आपको कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसमें जो है आप एक एग्जांपल ट्राई कर लो, एक अच्छा एग्जांपल मैं ले रहा हूं निकाल रहा हूं, देखता हूं मेरे पास अवेलेबल है या नहीं अच्छा वाला।
है अच्छा वाला। देखिए इसको ट्राई करके, ये इम्प्लिसिट रिलेशन नहीं है, फिर भी आप इसमें इम्प्लिसिट वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों आया हुआ है। वेरी गुड रोशन, आप ध्यान से देखिए y में ये रिलेशन इम्प्लिसिट है, x में एक्सप्लिसिट है, इसीलिए यहाँ पे इम्प्लिसिट लगाया जा सकता है, कहीं पर भी लगा सकते हैं इम्प्लिसिट वाला।
लास्ट स्टेप पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन से हिंट लेकर के। जो भी कर लिए हैं डन लिखेंगे।